पत्ता गोभी की बहुत सारी रेसिपी पहले आप लोगों ने बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ पत्ता गोभी की कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आप लोगों ने ना ही कभी खाए होंगे ना ही कभी बनाए होंगे। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाकर खाने से। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पत्ता गोभी की कबाब बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी को बीच में से कट कर ली है और इसका आधा ले लिया है। और उसके बाद इस तरह से बीच में से पत्ता गोभी को कट कर लेंगे पहले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने बीच में से कट कर ली है। उसके बाद इस तरह से साइड में से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह करके सभी पत्ता गोभी को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सभी पत्ता गोभी को इस तरह से कट कर ली है। और उसके बाद मैंने सभी पत्ता गोभी को अच्छी तरह से वॉश करके एक बोल पे निकाल ली है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था इसको। और अभी हमारा जो पत्ता गोभी है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड पे एक बोल ले लिया है। अभी इसको हाथ की मदद से इस तरह से दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल लेंगे। तो इस तरह करके सभी पत्ता गोभी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सभी पत्ता गोभी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल ली है। और अभी हमारा पत्ता गोभी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है एक चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई जो लाल मिर्च होता है वो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को इस तरह से थोड़ा सा कूट लिया है, दरदरा सा वो डाल दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देख सकते हैं साबुत धनिया जो होता है वो ले ली है थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज की प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में बारीक बारीक कट कर ली है वो डाल देंगे। और पत्ता गोभी की कबाब में इस तरह से लंबे स्लाइस में कट करके देने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने प्याज को डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है और इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और उसके बाद इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ा कम ही डाला है सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाला है और हरी मिर्च भी डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच चाट मसाला भी डाल दी है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है और एकदम चटपटा हमारा जो कबाब है वो लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाल दी है गरम मसाला। और उसके बाद इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। और हरा धनिया को डालने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप कम ही डालिए, क्योंकि पहले भी हमने पत्ता गोभी में नमक डाल के रखा था, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिए। और उसके बाद हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल का आटा ले ली है वो डाल देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है आधा कटोरी बेसन वो डाल देंगे। चावल का आटा डालने से हमारा जो कबाब है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही खास्ता बनेगा, इसीलिए मैंने चावल का आटा डाला है। और बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पत्ता गोभी में ऑलरेडी पानी होता है। अगर आप लोगों को लगे ये बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद इसका कबाब बनाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने एक कबाब बना ली है। अभी इसको एक प्लेट पे रख देंगे।
तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। तो आप दो तरीके से कबाब को बना कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले एक प्लेट ले ली है और इस तरह से प्लेट पे सभी कबाब को रख देंगे बनाकर, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो आप चाहे इस तरह से एक एक करके कबाब को बनाकर भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बता दी है, आपको जो आसान लगे इस तरह से आप बना लेना। तो देख सकते हैं इस तरह करके सभी कबाब को बना लेंगे और इस तरह से प्लेट पे रख देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी कबाब को बना ली है और प्लेट पे भी रख दिया है। तो चलिए इनको अभी फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक पैन पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो एक एक करके कबाब को डाल देंगे इस तरह से। आप पैन की जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने सभी कबाब को डाल दी है और अभी 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के इसको फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अभी इस तरह से चम्मच की मदद से इसको एक एक करके पलट देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी कबाब को पलट दी है और अभी दूसरे साइड को भी फ्राई होने के लिए रख देंगे गैस को हाई फ्लेम पे रख के 1 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है। तो चेक करेंगे कि दूसरा साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, दूसरा साइड भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और इनको एक एक करके निकाल लेंगे अभी और इस तरह से रख देंगे। तो देख सकते हैं मैंने सभी को निकाल ली है और इस तरह से रखने से इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है, इसीलिए मैंने इस तरह से रख दिया है। तो देख सकते हैं मैंने इनको प्लेट पे भी रख दिया है और फिर से मैंने यहाँ पे कबाब को फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह करके सभी कबाब जो है इनको फ्राई कर लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कबाब को बना ली है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरा और अंदर से एकदम नरम। अगर आप लोगों के फैमिली में कोई पत्ता गोभी नहीं खाता है तो इस तरह से आप लोग बनाकर एक बार ज़रूर देना, देखना आप लोगों के घर वाले बहुत ही पसंद करके खाएँगे। तो आप लोग भी इस तरह से पत्ता गोभी की कबाब को बनाइए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।